हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आज आप लोगों से शेयर कर रही हूँ हम लोगों की वन डे की ट्रिप जो हम लोग गए थे टेनेसी। तो टेनेसी जो है एक दूसरा स्टेट है, हम लोग जॉर्जिया में रहते हैं और जॉर्जिया से जो टेनेसी की ड्राइव है वो कुछ 3-3.5 घंटे की ड्राइव है। तो हम लोग जा रहे हैं चतनुगा, जो कि एक सिटी है टेनेसी स्टेट में। तो चतनुगा जो है एक बहुत ही फेमस सिटी है टेनेसी स्टेट का, जहाँ पे लोग जाते हैं घूमने के लिए। वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। तो हम लोग भी वहाँ पे जा रहे हैं। तो वैसे तो आप वहाँ पे जाके रुक सकते हो, बट हम लोगों का प्लान है कि हम लोग एक दिन में ही जो है जाके वापस रिटर्न आ जाएंगे। पहुंच गए हैं चतनुगा और सबसे पहले हम लोग अभी आए हैं इंक्लाइन रेलवे लुकआउट माउंटेन पे। तो पहले हम लोग ऊपर जाएंगे, रेलवे करेंगे, इसके बाद हम लोग जाएंगे रॉक सिटी। तो ये है यहाँ का इंक्लाइन रेलवे, जो कि वन ऑफ द स्टीपेस्ट पैसेंजर रेलवे है इन द वर्ल्ड। बेसिकली ये जो ट्रेन है ये आपको पहाड़ के ऊपर लेके जाती है पूरा अप हिल, और ये कुछ 15 मिनट की राइड है ऊपर जाने का और 15 मिनट नीचे आने का। तो इसका हम लोगों ने एडवांस टिकट परचेस कर लिया था ऑनलाइन, जिसका प्राइस है $15 एडल्ट्स के लिए और $7 चिल्ड्रेंस के लिए। तो ये जो ट्रेन है ये हर 20 मिनट पे जो है ऊपर जाती है और ऊपर से नीचे आती है। और जब हम ऊपर जाते हैं तो ऊपर से हम लोगों को जो टेनेसी स्टेट है ना उसका पूरा बहुत अच्छा सा व्यू देखने को मिलता है। से हम लोग ऊपर आ गए हैं, तो यहाँ से जो है ना व्यू देखिए, यहाँ से पूरी सिटी का व्यू दिख रहा है बहुत अच्छा, और वेदर भी बहुत अच्छा है, क्लाउडी है तो बहुत अच्छा लग रहा है। वहाँ पे ईशान और डैडी हैं। तो यहाँ से पूरी सिटी दिख रही है और यहाँ पे ईशान है। रेलवे का टॉप ऑफ द व्यू हो गया हम लोग का टॉप का, तो ये अपर डेक है, तो यहाँ से व्यू हो गया है। अब नीचे चलते हैं। तो ये है सेकंड लेवल, तो 3 लेवल है यहाँ पे ऑब्जर्वेशन का। तो ये सेकंड है, अभी हम लोग थर्ड पे थे, ये सेकंड है। तो ट्रेन वहाँ पे खड़ी है, तो ट्रेन यहाँ से ही आती है। गिफ्ट शॉप है यहाँ पे। तो इंक्लाइन रेलवे करने के बाद हम लोग वहाँ से ड्राइव करके आ गए हैं रॉक सिटी गार्डन्स। तो जैसा कि इसका नाम है रॉक सिटी, तो यहाँ पे जो है ट्रेल बनी हुई है जिसपे से होते हुए आप जाओगे पूरा पहाड़ के ऊपर, और रास्ते में आपको बहुत ही सुंदर सुंदर से रॉक फॉर्मेशंस, केव वगैरह मिलेंगे।
तो यहाँ रॉक सिटी में जो है एक वाटरफॉल भी है, यहाँ पे एक स्विंग अलोंग ब्रिज है जहाँ से पूरे सिटी का व्यू दिखता है, और यहाँ पे फेरी लैंड भी है, और यहाँ पे बहुत ही अजीबोगरीब जो है ये पहाड़ है उनका स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसके अंदर से आप होके जाओगे, गुफा वगैरह भी हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे करने के लिए। तो बस पूरे गार्डन में घूमते घूमते अब हम लोग पहुंच गए हैं रॉक सिटी के स्विंग अलोंग ब्रिज के पास, जो कि एक सस्पेंशन ब्रिज है जो कि 200 फीट लंबा है, और यहाँ से आप देख सकते हो पूरे सिटी का बहुत ही अच्छा सा व्यू मिलता है। आ गए एकदम ऊपर, तो यहाँ से बोलते हैं 7 स्टेट यहाँ से दिखता है, तो बट आज तो क्लाउडी है, पता नहीं हम लोग को दिखेगा कि नहीं, बट बोलते हैं यहाँ से 7 स्टेट दिखते हैं। तो यहाँ ऊपर से बोला जाता है कि 7 स्टेट दिखता है अगर पूरा सनी रहता है, तो आज तो फिलहाल क्लाउडी है, तो 7 स्टेट आप यहाँ से देख सकते हो ऊपर पहाड़ से। तो 7 स्टेट में यहाँ से आप टेनेसी देख सकते हो, केंटकी देख सकते हो, वर्जीनिया, साउथ कैरोलिना, नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया एंड अलबामा, तो ये सब सारे स्टेट जो है यहाँ से दिखते हैं। तो यहाँ ऊपर रेस्टोरेंट वगैरह है, अगर आपको खाना वगैरह खाना है तो आप बहुत ही अच्छे व्यू के साथ आप खाना वगैरह खा सकते हो। तो लंच टाइम हो गया था तो हम लोग भी खाना यहाँ पे खा रहे हैं, तो मैं तो घर से ही बना के ले गई थी खाना वगैरह, तो हम लोग भी अपना जो है यहाँ पे लंच कर रहे हैं अभी। तो बस लंच वगैरह करके अब हम लोग आ गए हैं फैट मैन स्क्वीज़, तो ये जो दो पहाड़ के बीच में बिल्कुल थोड़ा सा जगह है जिसके अंदर से आपको जाना पड़ता है, तो इसलिए इसका नाम है फैट मैन स्क्वीज़। और यहाँ पे ईशान को लग रहा है कि वो भी इसमें फिट नहीं हो पाएगा जबकि वो इतना छोटा सा है, तो वो कैसे टेढ़े टेढ़े होके आ रहा है। तो अभी हम लोग आ गए हैं फेरी लैंड के पास, तो यहाँ पे जो है बच्चों के जो पोयम वगैरह होते हैं उसकी स्टोरीज वगैरह के सब यहाँ पे कैरेक्टर अंदर पहाड़ के अंदर गुफा के अंदर बनाए हुए हैं। गए हैं रूबी फॉल्स, तो देखते हैं यहाँ पे कैसा है रूबी फॉल्स। तो केव है, बहुत बड़ी सी केव है, केव के अंदर से जाएंगे तो अंदर फॉल्स है, वाटरफॉल है। तो ये जो रूबी फॉल्स है ये एक अंडरग्राउंड वाटरफॉल है, मतलब गुफा है उसके अंदर ये वाटरफॉल बहती है। तो फॉल्स के लिए जाने के लिए आपको पहले लिफ्ट से जो है 260 फीट नीचे जाना पड़ता है गुफा के एंट्रेंस के पास, और वहाँ से जो है आपको टूर गाइड प्रोवाइडेड होते हैं, तो आप यहाँ पे गाइडेड टूर के थ्रू ही जा सकते हो गुफा के अंदर फॉल्स देखने के लिए। तो ये जो केव टूर है ये 1 से 1.5 घंटे का पूरा टूर है, क्योंकि आप गुफा के अंदर जाते हो तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए, बहुत सारे ऐसे नेचुरल फॉर्मेशंस हैं जो आप देख सकते हो, और अंदर जो है वॉक करने की बहुत ही कम जगह है, तो बहुत जगह पे आपको बिल्कुल झुक झुक के जाना पड़ता है, और सामने से कोई दूसरे टूर वाले आते रहते हैं तो आपको साइड में रुकना भी पड़ता है उनको स्पेस देने के लिए।
और केव के अंदर जो है जगह जगह पे लाइट्स लगी हुई हैं। अगर ये लाइट ना लगी हो तो आप गुफा के अंदर जो है आप अपने हाथ को भी नहीं देख सकते, इतना इसमें अंधेरा रहता है। तो बस इतने टाइम से वॉक कर करके अब हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं वाटरफॉल के पास। तो रूबी फॉल्स के बाद अब हम लोग आ गए हैं कूलिएज पार्क। तो ये यहाँ का बहुत ही फेमस पार्क है जहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ है करने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इंटरैक्टिव फाउंटेन है जहाँ पे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे ब्रिज है जिस पे आप वॉक कर सकते हो, और यहाँ पे 100 ईयर्स ओल्ड जो है कैरोसेल है जिसको आप राइड कर सकते हो, और जिसका प्राइस बिल्कुल सस्ता है, सिर्फ $1 में आप उसको राइड कर सकते हो। ये ब्रिज है तो ये ब्रिज पे आप वॉक कर सकते हो, तभी हम लोग वो ब्रिज पे जाएंगे वॉक करने के लिए। और ये वाली ब्रिज जो है गाड़ियों के लिए है, और ये ब्रिज है वॉक करने के लिए, तो वॉक कर सकते हैं इस पे। कांच कांच निकला है, ट्राइंगल ट्राइंगल। यह है टेनेसी रिवर। यह ब्रिज है, इसका नाम है वॉलनट ब्रिज। सामने का जो ब्रिज है वो व्हीकल्स का ब्रिज है, और ये पेडेस्ट्रियन का ब्रिज है। यहाँ पे मतलब आप बाइकिंग कर सकते हो, वॉक कर सकते हो। तो बस ये ब्रिज जो है ये हम लोगों का लास्ट अट्रैक्शन है आज का। तो हम लोगों ने एक दिन में यहाँ पे जो जो फेमस फेमस चीज़ें हैं वो सारी कवर कर ली हैं। तो अगर आप यहाँ पे घूमने आते हो अटलांटा से, तो आप एक दिन में आराम से इसको प्लान कर सकते हो। एक दिन में आप आके घूम के वापस जा सकते हो। तो हम लोगों का सारा चीज़ हो गया है घूम के, अब हम लोग रिटर्न जाएंगे क्योंकि यहाँ से 3-4 घंटे की ड्राइव भी है। तो आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।